हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सब देख रहे हैं हीलिंग थ्रू विद योग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, देखा गया है कि अक्सर अल्सर यानी मुंह के जो छाले की है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और देखा गया है कि जो मुंह के छाले हैं हमें बहुत ही ज़्यादा कई बार परेशान करते हैं, कई बार इतने कष्टदायक हो जाते हैं, इतना पीड़ादायक हो जाते हैं कि हमसे खाना भी नहीं खाया जाता, इवन बोला भी नहीं जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो छाले हैं मुँह के, वो आपके गाल के अंदर होते हैं या जीभ के ऊपर होते हैं, या आप कह सकते हैं एक तरह से जीभ के नीचे भी हो जाते हैं साइड पर। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी जलन होती है मुंह के अंदर छालों की वजह से कि हम कोई चीज़ इंटेक नहीं कर पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक तो नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा दे रहा है तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, ये आपको कैंसर की बीमारी तक भी दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुँह के छालों पर, उसके ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपके मतलब की है तो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्सर यानी मुंह के छाले होते क्या हैं? क्या होते हैं ये छाले, जो दिखने में एक तरह से लाल और एक तरह से सफेद रंग के दिखते हैं और बहुत ज्यादा कष्ट देने वाले होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहती है यानी कब्ज रहती है, तो भी ये छाले जो है उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें, इस बात करें कि अगर आपके बॉडी में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पित्त दोष की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी बॉडी में पित्त जो है संतुलन नहीं है, बिल्कुल भी एक तरह से बैलेंस नहीं है, तो वो आपके पेट की जितने भी बीमारें और रोग है वो आपको उत्पन्न करेगा। और ये अल्सर जो है पित्त दोष बनने के कारण से ही हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो अगर आप पित्त को अपना बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आप कम कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों होते हैं ये अल्सर और क्यों होते हैं मुँह के छाले, क्या आपने कभी सोचा है? हम अक्सर यही देखते हैं कि हमें छाले हो गए हैं, तो हो सकता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आया कि क्यों छाले हो गए, हो सकता है शायद हमने गर्म चीज़ ज़्यादा खा ली है, हो सकता है हमने कुछ ऐसा खा लिया कि जो हमें चीज़ रिएक्ट कर गई, लेकिन हम उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कई लोग इसका बिना कारण जाने ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका एक कारण पित्त दोष तो है ही है, लेकिन ये किसी और कारण से भी होते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं? पहला कारण तो यही है कि अगर आप कब्ज से जूझ रहे हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत भयंकर है, आप कब्ज जूझ रहे हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पेट में खराब ही है, आपको मतलब खाना पच नहीं रहा है, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है आपके मुंह के छालों का। दूसरा, अगर आप बहुत ही कड़क ब्रश से अपने ब्रश कर रहे हैं टीथ को, और ये भी एक मुख्य कारण है कि आपके मुंह में छाले उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तो अगर आपके बॉडी में आपके अंदर विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, इन सब की कमी है, तो इसके चलते भी आप मुंह के छालों से बिल्कुल ग्रस्त हो सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है पीरियड्स के चलते, खासकर मैं लेडीज़ की बात करूँगी कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि आपके छाले जो है वो उत्पन्न हो सकता है, अल्सर आपको हो सकता है। और तीसरा, अगर आप बहुत एक्सेस में स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तला भुना चीज़ खाते हैं या फूड खाते हैं, तो ये भी आपका एक छाले का मुख्य कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम इससे ऐसी कौन सी चीज़ अवॉइड करें कि जो छाले हैं वो हमारे ना उत्पन्न हो, या एक तरह से देखा जाए तो वो उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाए। तो पहला यही है कि आप स्टॉप कर दें स्पाइसी फूड खाना, जितना भी तला भुना खाना आप कुछ देर के लिए इसे स्टॉप कर दें, कम कर दें। और दूसरा, बहुत ही ज़्यादा आप 7 से 8 ग्लास ड्रिंकिंग वाटर का जो है बढ़ा दें अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी की जो मात्रा जब बढ़ेगी वो आपके पित्त को शांत करेगा, और आपका जब पित्त शांत होगा, बैलेंस होगा, तो मुंह के जो छाले हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अपना टूथब्रश को अपना जो है बिल्कुल आप ऐसा टूथब्रश चुनिए कि जो आपके मुँह में जब जाए तो वो आपको हर्ट ना करे। तीसरा, हम बात करेंगे च्युइंगम चबाना। जी यस, ये भी एक मेन रीज़न है कि जो लोग ज़्यादा च्युइंगम चबाते हैं ना, तो कई बार अपने गाल जो है अंदर से कट जाते हैं, और जिसके चलते मुंह में छाले जो है वो एक तरह से उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कच्चा प्याज सलाद में खाना, कच्चा प्याज बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मिल्क प्रोडक्ट्स अपने डेयरी में डाइट में शामिल करना, क्योंकि मिल्क में विटामिन B होता है, और विटामिन B की जो है कमी आपकी पूरी
ख़त्म कर देगा इस चीज़ से। और छाले जो है वो काफ़ी आपको, बहुत हद तक आपको छालों में आराम मिलेगा। तीसरा हम बात करेंगे कि आप अपनी नाइट के अंदर ग्रीन टी जो है इसका सेवन करना शुरू करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आपके बिल्कुल छालों के लिए राहत भरा है। और उसके बाद हम बात करेंगे जितना आप अपने पानी से मुँह को साफ कर सकते हैं, जितना भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। ये अगर आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका छालों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जब तक मुंह साफ नहीं होगा तो आपको छालों से प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे विटामिन सी का जो इनटेक है अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें। विटामिन सी जितना ज़्यादा होगा आपको छालों से उतना ही निजात मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन से घरेलू नुस्खे है जो हम अपने मुँह के छालों के लिए अपना सकते हैं और ये मुँह के छालों के लिए बेहद कारगर है। ये आयुर्वेद नुस्खे हैं दोस्तों, और आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी एलोपैथिक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्रीम या ट्यूब्स की यूज नहीं है, जो आप अपने मसाज करके छालों को आराम दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल घर में घरेलू नुस्खे के साथ भी इसको रिलीफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए। पहला नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये है कत्था का, जो कि हम पंसारी की दुकान, पान की जो दुकान होती है ना, वहाँ पे हमें बहुत आसानी से कत्था मिल जाता है। कभी आपने नोट किया होगा कि अगर किसी को छाले मुँह में इतने भयंकर हो रहे हैं तो वो लोग खासकर पान को प्रेफर करते हैं। तो कत्था जो है मेन इंग्रेडिएंट है इसका। आप क्या लेना है, एक तो इसमें एक नुस्खा है कि आप अमरूद के पत्ते ले सकते हैं। अमरूद के पत्ते भी मेरे छालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और उसके ऊपर हल्का सा कत्था लगा के उसको फोल्ड करके पान की तरह आप उसको चबाते रहिए। जितने ज़्यादा चबाएंगे तो कत्था जो है आपके छालों को रिलीव कर देगा और एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दूसरा रेमेडी इसी के अंदर, कत्थे के अंदर आपने करना क्या है, आपको थोड़ा सा मलेठी पाउडर ले लेना है, यानी मलेठी का चूर्ण लेना है, और साथ ही साथ आपको कत्था लेना है और थोड़ा सा उसमें शहद मिक्स करना है। ये मिक्स करके आपको अपने छालों के ऊपर अच्छे से लगाना है, मसलना है, और लगाने के बाद इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना और धो लेना है। तो आप इसे देखेंगे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है। दूसरी अगर मैं बात करूँगी तो आपको, जैसा कि मैंने कहा था, आपको अपने मुंह साफ रखने की बेहद ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको यही करना है कि आपको लेमन एंड हनी वाटर, यानी नींबू और शहद का पानी मिक्स करना है, और इससे अपने मुंह में कुल्ला करना है, क्योंकि ये आपके मुंह की सारी गंदगी जो है बाहर निकाल देगा। और इसको कुल्ला करने के साथ साथ आप इसको दो बार यूज़ कर सकते हैं, एक रात को और एक दिन में। और अगर बात कुल्ले की करें तो हम जायफल के पानी का भी कुल्ला कर सकते हैं। जायफल के पाउडर को बना के उसको पानी में डाल के उसका कुल्ला करने से 5-7 बार अगर हम कुल्ला करते हैं तो इससे भी हमें छालों पे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। और अगर फिर भी किसी को इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है और तब भी इन नुस्खों से आराम नहीं मिल रहा, तो एक बहुत ही कारगर नुस्खा है कि आप कम से कम 30 ग्राम बरगद की छाल ले लें। अब आप कहेंगे कि बरगद की छाल होती क्या जी, आपके पेड़ के पेड़ की जो इसके ऊपर के जो लकड़ी जो होती है उसको हम छाल कहते हैं, इसके बीच में से उसको क्लीन करके निकाला जाता है, इसकी आयुर्वेद दवाइयाँ बनती हैं दोस्तों। ये आपको किसी भी आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। 30 ग्राम के करीब आप बरगद की छाल लीजिएगा और साथ में 1 लीटर पानी में उसको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद इस पानी से आपको दिन में 3-4 बार गरारे करने हैं। ऐसा करने से आप नोट करेंगे कि आपको छालों में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको छालों में जलन होती है, छालों की जलन से आपको बचाव करना है, तो उसके लिए आप ग्लिसरीन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने छालों पर मसाज करें और उसके बाद उसको लगा के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, एकदम लीव कर दें, और आप देखेंगे कि आपके छाले हैं ना आराम दे रहा है, वो जलन कम हो रही है। और उसके बाद आप उसे वॉश कर लें। तो देखा कितने ही आसान नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे से आप अपने अल्सर यानी मुँह के छालों को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like my video, so please like, share and subscribe to my channel. मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल Healing Through Faith Yoga.